हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से पाल फैमिली ब्लॉग्स में। 1 सितंबर का दिन, बुधवार का दिन है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है लगातार, लगभग 8 बजे से कंटिन्यूसली। तो बाहर के तो कोई काम हो नहीं रहे। ये देखिए माँ जी भी जो है छाता लेकर के जा रही हैं, मतलब वॉशरूम तक भी छाता लेकर के काम हो रहा है और काफ़ी अच्छी बारिश हो चुकी है अब तक। अभी 1 बजा है तो 4-5 घंटे हो गए कंटिन्यूसली बरखा होते हुए। तबीयत ठीक है सबकी, लगभग जितने भी फीवर में थे लोग, बच्चे और बड़े सब। और प्रीति है, अभी उसकी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं है, उसे टाइम लगने वाला है। एक दिन के बुखार में वीकनेस ज़्यादा आ गई क्योंकि सोइलिंग आ गई थी उसे, एकदम से जो है बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, उसकी वजह से ही उसका चेहरा सूज गया था। तो जी बाकी सब बच्चे अच्छे ठीक हैं। और ये वायरल फीवर है, पता नहीं किस किस का नंबर लेगा, आज नंदिनी को हो गया है। बाकी 2-3 बच्चे ठीक हुए थे, 4, और मैं भी ठीक से ही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, एक मिशन की वेट कर रहे हैं सुबह से ही हम लोग। एक बहुत पुराना ड्रीम, मतलब कई सालों पुराना ड्रीम और था, घर में सबका ड्रीम था कि घर में एक न्यू बाइक आए, जो हमने आज से लगभग 20 दिन पहले बुक करा दी थी। तो उसकी डिलीवरी थी आज, बारिश अगर रुकती है तो हो ही जाएगी, पहुंचेंगे ज़्यादा दूर नहीं, पास के कस्बे में ही है बुढ़ाना, 3 किलोमीटर। बारिश रुकेगी तो पहुंच जाएंगे किसी भी टाइम। जिस दिन जो है 2 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली का हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था छोटा सा, तभी हमने उसको बुक किया था। और आपको बताया नहीं था, बुक मैं अकेला कराया था जाके, इसलिए। तो जी आज डिलीवरी संभवतः हो जाएगी, एक्साइटमेंट बहुत है डिलीवरी लेने का। तो जी बस वेट हो रही है, बारिश रुके और हम चलें। अपने पापा को तो दे देगी आशीर्वाद, मुझे नहीं दे रही, मुझे भी दे देना आशीर्वाद। ए मेरे सिर को भी टेक देनु, ये आपसे शर्मा है, अपने पापा से नहीं शर्मा। दे दे अपने पापा को एक बार और आशीर्वाद जी, तेरो चलो। ई मेट्रो की सवारी में चल पड़े हैं हम, गांव के हमारी यही मेट्रो है ई रिक्शा, और ये पूरी तरह से कवर है, बढ़िया छतरी है इस पर, बारिश में बिल्कुल नहीं भीगेंगे। और हम निकल लिए थे, हमने बहुत वेट करी सुबह से अब तक, लेकिन कब तक करते, जाना तो है ही है, बाइक तो लानी है, डिलीवरी डेट आज की है। तो कैसा महसूस हो रहा बारिश की यात्रा ई रिक्शा में? एडवाइस तो मेरी थी तो बढ़िया ही महसूस होगा, मगर ई रिक्शा में चल रहे, पर्दा पकड़ रखा, इधर से बूंद पड़ रही ना तो कभी कपड़े गिल्ले हो जा। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ई रिक्शा का, तो खराब कद रहा, और जब कितने कितने दिनों में करें तो बढ़िया ही रहेगा एक्सपीरियंस। और यहाँ से 3 किलोमीटर है बस, वहीं पे छोड़ देगी ले जाके। तो जी खेत खलियान और सड़क सब जलमग्न हो रहे हैं, हमारा ये जो वाहन है ये भी दौड़ता जा रहा है, और मंजिल की तरफ जल्दी पहुँच जाएंगे हम। और पहुँच गए हम अपने कस्बा बुढ़ाना में, ये देखिए आज छीड़छाड़ है, जनता जनार्दन निकल नहीं रही सड़कों पर बारिश के मारे। तो जी कमी है भीड़ तो, और सरपट दौड़े जा रहे हैं हम, बारिश लगातार चालू है। और देखिए ट्रेन के इस डिब्बे में बैठे हैं हम अपने, मतलब ई रिक्शा के, सांवरिया स्वीट्स बुढ़ाना, बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस मिठाई वाले हैं। पहुंच गए यहाँ पे और एजेंसी के अंदर ही बैठे हैं हम। और ये देखिए इधर एक ये खड़ी है और एक वो खड़ी है, 2 हैं बाइक, और इनमें से सौरभ बताएगा कौन सी लेनी, क्योंकि इसे जांच है पूरी। यही ठीक है, ये वाली खड़ी इधर, तो ये है, ये बताई सौरभ ने, ये वाली ठीक है, और बाकी तो सही पता है, 2-4 महीने तो जो निर्देश है यही देगा, कैसे चलेगी कैसे नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस भाई अलग चीज़ है। और अब तक नई बाइक कोई सी नहीं चलाई हमने, पुरानी ली, सारी सेकंड हैंड ली थी, सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सके, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो चाय आ गई है, चाय पी लेते हैं, देखो ताज़ी चाय है एकदम और स्नैक्स भी हैं। सौरभ चाय पी एक रहे, मगर पहलवान आदमी कभी ना पीता चलो तो भाई चाय ले लो, नहीं पीने की, चलो चलो तो हम पी लेंगे, तो पीनी तो पड़ेगी। एक्सेसरीज इसमें लग गई हैं सारी, और ये देखो कितने एक्साइटेड हैं, कई सारे फैमिली मेम्बर्स आए हैं क्योंकि पहली न्यू बाइक है ना, इसलिए
और ये इनका कैनोपी लगा है यहाँ पे, और इसकी आज एनिवर्सरी भी है। रॉयल एनफील्ड को 120 साल पूरे हो गए हैं इसलिए। तो जी अभी देखभाल चल रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे देख रहे हैं, पहली बार नई बाइक जाने वाली है घर में, इसलिए एक्साइटमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। और काफ़ी इंतज़ार के बाद सुबह 11 बजे की थी डिलीवरी, लेकिन अभी लगभग 2:30 बज गए होंगे, 2:30-3 बज रहे हैं, तो लग जाएगी और थोड़ी देर, और उसके बाद में न्यू बाइक कमिंग होम। और बाकी सौरभ बताएगा, सौरभ इसमें तेल कितना डलवाना शुरू में? तेल खुली करा लियो, एवरेज का भी पता चल जाएगा। अच्छा, टंकी फुल। इसमें कितना देवे, ये चली जाएगी इतनी? तो 3 लीटर तो मिलेगा ही, चली जाएगी घर तक भी चली जाएगी। चलो 3 लीटर तो बहुत है, यही से फुल करा ले। हाँ, फुल करा के ले चलेंगे, उससे पता चल जाएगा एवरेज का। चाबी लेके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, कुछ सपने पूरे होते दिख रहे हैं। अच्छा, कैसी फीलिंग हो रही? बहुत अच्छी फीलिंग, आप देख सकते हैं बारिश में यहाँ भी आ गए। अच्छा। इतनी खुशी कि बारिश भी नहीं तो सपने पूरे होने की स्टार्टिंग हो गई है। होगी जी हाँ। अच्छा। बहुत सपने अभी तो जो पूरे होंगे, सहज शुरुआत हो चुकी है। सब कुछ फाइनल हो चुका है, जो भी फॉर्मेलिटीज यहाँ की थी सब पूरी हो गई हैं, और बाइक जो है हमारी वो ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये है आसिफ अहमद भाई मैनेजर, और ये है हरिवंश ऑटो एजेंसी बुडाना। और जी यहाँ पे हमें आकर के कई फ़ायदे हुए हैं, एक तो ये कि आसपास की जितनी भी एजेंसी थी रॉयल एनफील्ड की, उनमें सबसे अच्छा डिस्काउंट दिया इन्होंने हमें, और दूसरी चीज़ ये कि डिलीवरी ऑन टाइम दी है, बिल्कुल एक्यूरेट एज ए कमिटमेंट। तो जी ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी मिली हैं अभी तक, और भविष्य में उम्मीद करते हैं कि आगे की सर्विस भी अच्छी मिलेगी। और बाकी सौरभ है, सौरभ ने रेकमेंड किया था यहाँ पे, और ये चला भी रहा है 10 महीने से पहली मोटरसाइकिल अपनी। तो जी इसने ही यहाँ पे सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था, इसलिए हम यहाँ पे आए। तो जी इन्होंने डिलीवरी ऑन टाइम दे दी है, हम भी खुश हैं और इन्हें भी खुश होना चाहिए। तो चलो जी भविष्य में यहाँ पे, और हाँ मुंह मीठा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जी चलो, अब हम भी बहुत उतावले हैं, उत्साहित हैं और उसे चलाकर देखने के लिए, और बस थोड़ी सी देर और लगेगी, फिर लेकर के चलते हैं भाई। और बड़े भाई लेकर के जाएंगे, इन्हीं के हाथ से पहला पेट्रोल, बरकत रहे पेट्रोल में इसमें। तो देखिए जी, पहला सपना सच हो गया है, कैसी फीलिंग हो रही? बस बढ़िया हो रही, फीलिंग तो बढ़िया हो रही। हाँ। कई दिन से एक्साइटमेंट तो एक साल से था कि बाइक लेनी है, कौन सी लेनी है, और ये सपना पूरा हो गया है पाल साहब का। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। अभी चल दिए हैं घर की तरफ, और भाई साहब, दोनों बड़े भाई साहब निकल गए हैं बाइक लेकर। अमित की बाइक पे जाएंगे, इसके चाचा अमित बैठे हैं यहीं पर, ये देखिए। बहुत खुशी हो रही है आज। पूजा कर रही है
सारी की सारी बहनें मिलकर ये सोनिया पूजा गुड्डू चिंकी आरुषि नंदनी हाथ तो लगा लो ये देखो सारी हाथ लगा लो अब बना भी लें दो पिछले पर भी डालना हाँ। अगले पे डाल लो पिछले सब जगह डाल दो जहाँ जहाँ डालना कभी और की इच्छा कभी और हमारा यही बहुत है वो मिट्टा करवा देंगे निकाल दिखाई नंदनी को भी पैर छू ले नंदनी के पैर दीदी के पास आओ गुड्डू दीदी फिर सबको देने का टाइम पैसे आयुष्मान बाबा पैर छू पियो चिंकी दीदी वो दे जी तरो और बड़ा मेरा भाई यही तरह हो भैया भी तो है। शाम के 6:30 बज गए हैं। कई जनों ने राइडिंग भी ले लिया है बुलेट मोटरसाइकिल की और ये सब संभव हुआ है माता पिता के आशीर्वाद पूरे परिवार के सहयोग से और आप लोगों के सपोर्ट से। तो जी ये ड्रीम जो है काफ़ी दिनों से था सालों से सोच रहे थे हम आज जाके ये पूरा हो गया है और बहुत खुश हैं सभी फैमिली मेंबर माता जी स्पेशली बहुत खुश हैं। और नई बाइक पहली बार आई है घर में क्योंकि अभी तक जो हमने खरीदी हैं चलाई हैं वो सब यूज्ड बाइक्स थी और नई चीज़ें आने की खुशी आप जानते ही हैं और ये सब संभव आप सबके सहयोग घर वालों के सपोर्ट पूरी फैमिली की एकजुटता के साथ हुआ है और जिसे इंजॉय भी पूरी फैमिली मिलकर ही करेंगे हम। एक दिन मैंने माँ से बोल दिया वैसे ही मैंने कहा माँ नई बाइक ले रही है तो माँ कह रही ले आओ यह तो ज़्यादा दूर तक चलाई भी नहीं जाती मैंने वही माँ तो कह रही जब माँ ने परमिशन दे दी तब जब सब की परमिशन मिल जाएगी। देखो भाई पुरानी चीज़ तो पुरानी है कई बार भीतर लेकर जान लगे उसका भरोसा भी कुछ नहीं बच्चों का साथ है को लेकर जाना पड़ जा दो को लेकर जाना पड़ जा तो घर में ऐसी चीज़ तो चाहिए है जो अपने को लेकर चल दे जरूरत की वो पहले खराब हो गई ना बाइक उसका इंजन विंजन खराब हो गया तो जरूरत की चीज तो घर में भाई सभी चाह। अच्छा कितने साल हो गए सब पुराने वाले को उससे 10 साल हो गए 10 साल पहले हमने उसे सेकंड हैंड ली थी लगाओ जहाँ पैसे लगाओ जहाँ मेंटेनेंस ज्यादा आने लगा है केवल लोकल में उसे चलाया करेंगे और जी कहीं जाना हो रिलेटिव के यहाँ घूमना फिरना हो तो इसे चला लिया करेंगे जरूरत की चीज थी इसलिए खरीद ली और जब माँ मान जा तो पिताजी तो अपने आप ही मान जा माँ को माँ खुश तो सब खुश पिताजी तो जो है खुश हो ही जाएंगे वही तो। तो जी तो देखो घर में जो कोई काम होवे कोई चीज ली जावे तो हम तो खुशी है भगवान इन्हें बनाव रखे लेने वालों को बनाव रखे इनके रोजगार में भगवान चारों बार में तरक्की करे हम तो खुशी खुश हैं भाई इनके लारे हम भी खुश हैं। तो जी चलो माँ के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक ठाक हैं सब और सब खुश हैं और आज का बस यही था व्लॉग यहीं पे कर देते हैं इसको एंड मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में तब तक के लिए सबको बाय बाय और हमारे राम राम, राम, राम।